अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका जाफर सर की लर्निंग क्लास में। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ छठा परिश्रम ही पूजा पृष्ठ क्रमांक 12 से 14 का अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चित्र में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। ये सड़क बनाने का काम चल रहा है, ये परिश्रम कर रहे हैं। इनकी परिश्रम से ही बड़ी बड़ी सड़कें अपने देश में बनाई जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं, ये दूसरा चित्र है, ये कारखाने का है। कारखाने में बड़ी बड़ी मशीनों से पुर्जे बनाए जाते हैं, और वो पुर्जों से जो है कार और बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है जो हमारे जीवन में उपयोग होती है। ये भी एक तरह का परिश्रम ही होता है और इससे जीवन चलता है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा चित्र है, ये एक ऑफिस है। इस ऑफिस में बहुत से कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, और कोई रजिस्टर में कुछ देख कर लिख रहा है। ये इस तरह का काम होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। ये बड़े बड़े कर्मचारी काम करते हैं और ये भी एक जीवन का भाग है, ये भी परिश्रम कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि परिश्रम के बाद ये एक जल्लोष करता हुआ चित्र दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर इन्हें कामयाबी प्राप्त हुई है। और ये सफलता प्राप्त होने के बाद ये खुशी जाहिर कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो परिश्रम करने के बाद ही हमें सफलता प्राप्त होती है और प्रसन्नता निर्माण होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये एक चित्र है, ये एक बालक अपनी पढ़ाई कर रहा है, कुछ लिख रहा है और सोचते हुए लिख रहा है, इसलिए यहाँ पर ये बल्ब जलने का चित्र बताया गया है कि उसके दिमाग में कोई एक नई बात आई है और वो लिख रहा है। यहाँ पर ये युवती इतनी ढेर सारी किताबों का अभ्यास कर रही है और इन्हें जो है पढ़ रही है, और ये पढ़ने से बड़े आदमी और बड़े लोग में अपना में शामिल होता होना होते हैं हम, ऐसा इन बालक और ये युवतियों का ख्याल है, विचार है। अब हम देखेंगे कि इस तरह से पढ़ाई करने से ये लोग, यहाँ पर इंजीनियर दिखाई दे रहे हैं, इस चित्र में डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखेंगे तो ये बावर्ची है जिसे इंग्लिश में शेफ कहते हैं, और यहाँ पर ये वकील है, ये टीचर है। इस तरह के ये जितने भी है कर्मयोगी लोग हैं जो अपना परिश्रम करते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करके दूसरों के जीवन को सुखी और सुखीमय बनाना चाहते हैं। परिश्रम ही बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम जो पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है छठा पाठ, परिश्रम ही पूजा। ये पृष्ठ क्रमांक 12 है। अब हम इसका अभ्यास करते हैं, देखेंगे हम सुनो समझो और सुनाओ। पाठ छठा परिश्रम ही पूजा। इस निबंध में लेखक ने परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, कुंजी यानी चाबी, सफलता की चाबी है परिश्रम। परिश्रम यानी मेहनत करना। यह बातें बताते हुए अधिक परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया है। ये जब बता रहे हैं तो और भी ज़्यादा हमें अधिक परिश्रम करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, ये इसका मकसद है। विचार मंथन। शर्म का फल मीठा होता है। शर्म का फल कैसा होता है? मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है। परिश्रम ही पूजा है। पूजा तो पूजा ही होती है, पूजा परमात्मा की होती है, इष्ट देव की होती है। इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय नहीं कि पूजा आलस्यमन नहीं होती। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई दो विचार इसमें नहीं है कि पूजा आलस्यमन नहीं होती, यानी
काहली से, सुस्ती से पूजा नहीं की जाती। बड़े बड़े कर्मयोगियों ने कर्म को पूजा माना है। जो बड़े बड़े कर्मयोगी गुजरे हैं, काम करने वाले गुजरे हैं, मेहनत करने वाले गुजरे हैं, तो उन्होंने ये मेहनत क्यों की है? क्योंकि वे कर्म को पूजा समझे हैं, काम को पूजा समझे हैं। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं वर्क इज़ वर्शिप, यानी काम ही पूजा है, काम ही इबादत है। चिंतन की भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है, चिंतन की, फिक्र की राष्ट्र को, अपने देश को इसकी आवश्यकता है, परंतु वास्तव में परिश्रम की आवश्यकता इससे कहीं ज़्यादा है। हाँ, लेकिन वास्तव में, हकीकत में परिश्रम, मेहनत की ज़्यादा उस चिंतन, उस फिक्र से भी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास निस्संदेह आपको सफलता की ओर ले जाता है। निसंदेह यानी इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर आपको परिश्रम की आदत, उसका अभ्यास अगर बचपन से हो, तो ये आपको कहाँ ले जाएगा? सफलता की ओर ले जाएगा, कामयाबी की ओर ले जाएगा। यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई, तो समझ लीजिए कि आप पतन की ओर जा रहे हैं। यानी अगर आपको काहली, सुस्ती की आदत हो गई, तो आप अपने जो है, इसे उर्दू में कहते हैं जवाल, जवाल की तरफ जा रहे हैं। आप जो है नुकसान की तरफ जा रहे हैं, आपका फ़ायदा नहीं हो सकता, आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं, आपका पतन होने वाला है। दुखों की मार से फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। कहा गया है आलस्यो ही मनुष्याणा शरीरस्थो महारिपु, यानी अगर हम काहिल और सुस्ती करेंगे तो हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, और अपना जो शरीर है वो भी हमारा यानी साथ नहीं दे सकता। इसलिए परिश्रम करना चाहिए। सचमुच आलस्य शरीर में ही बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, शत्रु यानी दुश्मन। ये जो काहिली है, ये सुस्ती जो है, अपने ही शरीर में, अपने ही जिस्म में रहने वाला ये सबसे बड़ा दुश्मन है। संत कबीर केवल भक्त या संत ही नहीं थे, वे अपने हाथ से कपड़ा भी बुनते थे। वे परिश्रम को ही पूजा मानते थे। कौन? संत कबीर। संत कबीर ये बहुत बड़े संत गुजरे हैं। परिश्रम शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होते हैं। जैसा आप शिक्षक लोग हैं, हम ये शिक्षक लोग जो है अपना मानसिक बौद्धिक परिश्रम करते हैं, शारीरिक परिश्रम मजदूर करते हैं। तो सिर्फ वही परिश्रम नहीं है, बल्कि मानसिक और बौद्धिक भी परिश्रम होता है। परिश्रमिक में आत्मविश्वास होता है, जो परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, उसमें जो है खुद एतमादी होती है, उसे आत्मविश्वास कहते हैं। उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। परिश्रम का फल मीठा होता है यानी इसमें सफलता प्राप्त होती है, कामयाबी हासिल होती है, इसे मीठा फल कहा गया है। फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। हाँ, फल मिलने में देर हो सकती है, लेकिन ये फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। एक बार एक विद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा था। हाँ, रिजल्ट यानी उसका नतीजा का ऐलान किया जा रहा था, घोषित करना यानी ऐलान करना। एक बालक ने खड़े होकर कहा कि उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। तो एक उसमें से एक बालक, एक लड़का, एक बच्चा खड़े हो गया और उसने कहा कि मेरा परिणाम घोषित नहीं हुआ, मेरा नतीजा मुझे मालूम नहीं हुआ कि क्या मैं ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। प्रधानाचार्य ने कहा, प्रधानाचार्य यानी हेडमास्टर, प्रिंसिपल, जिसे उर्दू में सदर मुदरिस कहते हैं। जिनके नाम नहीं बोले गए वे उत्तीर्ण नहीं हैं। हाँ, प्रधानाचार्य ने कहा कि जिनके नाम नहीं बोले गए वो उत्तीर्ण हैं। बालक दृढ़ता पूर्वक बोला, दृढ़तापूर्वक बोला यानी उसने अपने जो है आत्मविश्वास से बोला, खुद एतमादी से बोला, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, यानी वो मैं पास ही हूँ, मैं कामयाब हूँ और मैं उत्तीर्ण हूँ, ऐसा उसके बोलने का अर्थ था। प्रधानाचार्य ने जोर देकर कहा, बैठ जाओ तुम अनुत्तीर्ण हो। हाँ, प्रधानाचार्य भी कहे कि बैठ जाओ तुम अनुत्तीर्ण हो।
विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा तो प्रधानाचार्य ने उस पर 5 रुपये जुर्माना लगा दिया। उस पर कितने रुपए जुर्माना लगा दिया? 5 रुपये। उस जमाने के 5 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। ये विद्यार्थी ने पुनः निवेदन किया, लेकिन विद्यार्थी ने फिर से यानी निवेदन किया, दरख्वास्त की कि आप मेरा जो है नतीजा, मेरा परिणाम घोषित कीजिए। क्या किया? तो जुर्माना 10 रुपये कर दिया गया। अब जुर्माना जो है और बढ़ा दिया गया, जुर्माना यानी दंड, हाँ बढ़ा दिया गया। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा, लेकिन फिर भी वो बच्चा डरा क्या? नहीं। कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर ने भी कहा, सर बालक ठीक कहता है, यह अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, यह पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता है। कठिन परिश्रम यानी बहुत मेहनत करता है। तो ऐसा हर एक बच्चे ने जो है अपना बोलना चाहिए, और हर एक बच्चे के लिए जो है उसके कक्षा अध्यक्ष ने बोलना चाहिए कि ये जो है अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। ऐसा आत्मविश्वास विद्यार्थी और शिक्षक में होना चाहिए। इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया और क्षमा मांगते हुए बोला, यानी माफी मांगते हुए बोला, सर टाइप होने में एक नाम छूट गया था। एक नाम क्या हो गया था? छूट गया था। वह नाम ये उसी परिश्रमी छात्र का था। उसी परिश्रमी छात्र बोले तो मेहनत करने वाला विद्यार्थी, मेहनत करने वाला तालिबे इल्म, उसका एनो नाम था। और उसके अंक भी सर्वाधिक थे और उसके नंबर भी जो है सबसे ज्यादा थे। वह बालक और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो देखिए बीच में राजेंद्र प्रसाद साहब की ये चित्र है, और यहाँ पर ये परिणाम घोषित होने का यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है, और ये वो बालक है कि जो खड़ा होकर कहता है कि मेरा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ, मैं अनुत्तीर्ण हो नहीं सकता। और इस चित्र में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये देश के पहले राष्ट्रपति बने, प्रथम राष्ट्रपति, और ये प्रथम जो है वजीर आजम, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, चाचा नेहरू, ये बने। बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे, वही राजेंद्र प्रसाद, अब हम देखेंगे ये प्रश्न क्रमांक 13 पे हम चले गए हैं, और इसमें हम आगे देखेंगे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। क्या चुने गए? प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। व्याकरण के आचार्य कैयट दिन भर आजीविका के लिए परिश्रम करते। हाँ, एक व्याकरण के आचार्य थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े जानकार थे वे। व्याकरण के, व्याकरण यानी कवायद जिसे हम कहते हैं, ग्रामर जिसे कहते हैं, और वो दिन भर क्या करते थे? आजीविका, आजीविका यानी अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने जो है खाने पीने के लिए, परिवार चलाने के लिए बहुत परिश्रम करते थे दिन में, और रात्रि को जाग कर व्याकरण लिखा करते थे। और दिन में टाइम नहीं मिलता था, वक्त नहीं मिलता था, समय नहीं मिलता था, इसलिए वो रात में व्याकरण जाकर लिखा करते थे। इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, उनकी हालत जो है, उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनकी पत्नी ने आग्रह किया, उनकी पत्नी ने विनंती की, आग्रह किया, दरख्वास्त की, इल्तिजा की, आप समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, ये समाज के काम में आएगा व्याकरण, इससे कई बच्चे पढ़ेंगे, कहीं यानी या आगे बढ़ेंगे, तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिए पत्नी कह रही है कि घर चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। परिश्रमी व्याकरणाचार्य अपनी पत्नी से बोले, तुम घर कैसे चलाऊंगी? वह भी घोर परिश्रमी थी। हाँ, वो आचार्य ने कहे कि आप यानी घर कैसे चलाएंगे, लेकिन फिर भी वो जो उनकी पत्नी थी वो कैसी थी? घोर परिश्रमी यानी बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली। आश्रम की सीमा पर खड़े कुश की मैं रस्सियां बनाऊंगी। उन्होंने कही कि आश्रम के जो सीमा है, जो सरहद है, उसके ऊपर कुश यानी एक बड़ी घास होती है, वो है, उसकी मैं क्या बनाऊंगी? रस्सियाँ बनाऊंगी। आप एक दिन जाकर साप्ताहिक बाजार में बेच आइएगा। हाँ, जो हफ्तावारी बाजार होता है उसमें आप उसे बेच आइएगा, जब मैं रस्सियाँ बना दूंगी तो।
घर का खर्च इसी से चल जाएगा। आप व्याकरण की रचना के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे। आचार्य कैयट ने पत्नी की बात बात स्वीकार की, हाँ कबूल कर दी उन्होंने उनकी बात। वैयाकरण, वैयाकरण यानी व्याकरण वाले कैयट बोले, व्याकरण लिखने वाले कैयट साहब ने बोले, वाह तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है, श्रम से ही जीवन में सब साध्य होता है, यहाँ सब हासिल होता है परिश्रम से ही। अब तो शीघ्र सफलता मिलेगी, शीघ्र यानी जल्दी, हमें अब जल्दी से सफलता, जल्दी से कामयाबी मिल जाएंगी। आगे चलकर उन्होंने अद्भुत व्याकरण की रचना की और यह पुस्तक आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करने लगी। पथ प्रदर्शक यानी रहबरी का, रास्ता दिखाने का काम करने लगी। ये देखिए उनकी पत्नी और ये आचार्य कैयट साहब, जो व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े जानकार आलिम थे। इसके बाद हम देखते हैं वाचन जगत से। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित बच्चों की बहादुरी के प्रसंग पढ़ो और पसंदीदा एक का वर्णन करो। ये जो वेबसाइट दी हुई है, ये वेबसाइट अगर हम गूगल पे डालते हैं तो ये बच्चे, ऐसे बच्चों की जानकारी वहाँ से प्राप्त हो सकती है। हमने ऐसे एक बच्चे की जानकारी दिए हैं, आप इसे अब पढ़ेंगे। हम सेतु ने मगरमच्छ के चुंगल से बचाई चाचा की जान। ये सेतु है, इसने चाचा की जान बचा दी मगरमच्छ से। मगरमच्छ का नाम सुनकर ही अच्छे अच्छों को कपकपी होने लगती है, लेकिन ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के सेतु ने मगरमच्छ के चुंगल से अपने चाचा की जान बचाई। 20 फरवरी 2018 की बात है। सेतु अपने चाचा के साथ झील गया था, उसी समय एक मगरमच्छ ने चाचा पर हमला कर दिया। सेतु पास में ही था, जैसे ही उसने यह देखा, एक बांस से मगरमच्छ के सिर पर मारना शुरू कर दिया। इस हमले से घबराए मगरमच्छ ने सेतु के चाचा को छोड़ दिया और उनकी जान बच गई। ये देखिए उसकी बहन है और उसने जो है शाड़ा का ये ड्रेस है वो पहना हुआ है, कपड़े, और ये सेतु है मुस्कुराता हुआ। अब हम आगे देखेंगे, मैंने समझा, ये मैंने समझा में हमने जो है यहाँ देखिए, ये निबंध का पहला परिच्छेद है, वो आपको लिखना है, हमने इसे पढ़ चुके हैं। शब्द वाटिका, नए शब्द, राय, सलाह, अभिप्राय, निसंदेह, बिना किसी आशंका के, जुर्माना, आर्थिक दंड, खुश, एक प्रकार की घास, व्याकरण, व्याकरण के जानकार, मुहावरा, घर चलाना, घर का खर्च उठाना। इसके बाद हम देखेंगे अध्ययन कौशल्य, सुने हुए नए शब्दों की वर्ण क्रमानुसार तालिका बनाकर संभाषण एवं लेखन में प्रयोग करो। हाँ अभी अब जो नए शब्द हमने शब्द वाटिका में देखे हैं, तो इन्हें क्या करना है, वर्ण क्रमानुसार यानी हुर्फे तहजी के तरतीब में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसमें लगाना है और उसका उपयोग करना है संभाषण में और लेखन में। स्वयं अध्ययन, स्वयं अध्ययन में क्या है, सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो। सौर ऊर्जा जो है, जिसे शमसी तवानाई कहते हैं, और इसके बारे में आपको उसके महत्व और प्रयोग लिखना है, मैं और उसके जानकारी उसकी पढ़ना है जानकारी। सुनो तो जरा, अपने पसंदीदा विषय पर 4 पंक्तियों में कविता बनाओ और सुनाओ। कविता बनाना है अपने पसंदीदा विषय पर और उसे सुनाना है मेरी कलम से। अपने परिवार में गठित कोई हास्य प्रसंग अपने शब्दों में लिखो। देखिए अब यहाँ पर लिखे हास्य प्रसंग, हमारे पड़ोस में सुखी सॉरी सखू मौसी रहते हैं, वो हमारे पास हमारे माताजी और दीदी से मिलने आते हैं। एक दिन की बात है, वो शाम को हमारे घर आए, हम सब एक साथ बैठे हुए थे और दीदी हमें सांप की कहानी सुना रहे थे। हमें कहानी सुनकर सांप से डर लग रहा था। कहानी समाप्त होने के बाद सखू मौसी घर जाने के लिए बाहर निकले, परंतु सांप सांप कहते वापस घर के भीतर आए। देखे तो क्या, बाहर रस्सी देखकर सांप समझ बैठे, सब हंसते रहे और मौसी अब भी भयभीत थे। ये एक हास्य प्रसंग आपको बताया गया। इसके बाद हम देखेंगे किसने किससे
किसने किससे क्यों कहा है लिखो। अब उसमें है क, सर टाइप होने में एक नाम छूट गया था। अब इसका हम उत्तर देखेंगे, विद्यालय के बाबू ने प्रधानाचार्य से कहा क्योंकि एक उत्तीर्ण बालक का नाम उत्तीर्ण सूची में नहीं था। क ख है अब, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता। ये किसने कहा, बालक ने प्रधानाचार्य से कहा क्योंकि उसका नाम उत्तीर्ण विद्यार्थी में नहीं लिया गया था। ग घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इसका उत्तर है, आचार्य कैयट की पत्नी ने आचार्य कैयट से कहा क्योंकि वे दिन भर आजीविका के लिए परिश्रम करते और रात्रि जागकर व्याकरण लिखा करते, इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। घ है वह, तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है। आचार्य कैयट ने अपनी पत्नी से कहा क्योंकि वो परिश्रम करके घर चलाना चाहती थी। इसके बाद देखेंगे भाषा की ओर, पढ़ो समझो और करो। छोटा कोष्टक, बड़ा वर्गाकार कोष्टक, मजला सर्पाकार कोष्टक, और ये जो चिन्ह है ये चिन्ह हंस पद का है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। कोष्टक, छोटा कोष्टक, कर्म सूचक अक्षर अंक संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए छोटा कोष्टक इसका उपयोग करते हैं। बड़ा वर्गाकार कोष्टक, लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने दूसरे कोष्टक को घेरने के लिए इसका, ये बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हैं। मंझला सर्पाकार कोष्टक, जिसे उर्दू में मेहराबी खौंस कहते हैं, ये छोटा खौंस, ये बड़ा खौंस और ये मेहराबी खौंस, एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए मंझला कोष्टक इसका उपयोग प्रयोग करते हैं। हंस पद, लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर हंस पद यह चिन्ह लगाते हैं। अभी इस उसका उपयोग देखेंगे हम। छोटा कोष्टक नंबर एक, सागर आश्चर्य से, आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, यह आश्चर्य से छोटे कोष्टक में लिखा गया। नंबर दो, निम्न प्रश्न हल करो, अभी प्रश्न जो दिए हुए अ और ब ये छोटे कोष्टक में दिया गया है। बड़ा वर्गकार कोष्टक, रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुवादित, अभी बड़े कोष्टक में लिखा गया, अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं। दूसरा है, देखो आपका पत्र, बड़े कोष्टक में लिखा गया है, नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। मंझला सर्पाकार कोष्टक, गोदान निर्मला गबन प्रेमचंद की जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं, ये मंझले कोष्टक में लिखा गया। तुलसीदास कालिदास, ये मंझले कोष्टक में लिखा गया, महाकाव्य माने जाते हैं, महाकवि माने जाते हैं तुलसीदास और कालिदास। हंसपद नंबर एक, आसमी ने सुंदर भेंट कार्ड बनाया, सुंदर छूट गया था यहाँ पर, इसलिए इसे हंसपद के चिन्ह से बतलाया गया है, दर्शाया गया है। नंबर दो, पिताजी कल, हंसपद का यहाँ पर चिन्ह है, और मुंबई आएंगे, मुंबई यहाँ पर रह गया था। अब यहाँ देखेंगे उचित विराम चिन्ह लगाओ, अब इसका हम आगे देखेंगे। उचित विराम चिन्ह का में नंबर एक है, कामायनी महाकाव्य कवि जयशंकर प्रसाद, तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर ये महाकाव्य जो है ये छोटे कोष्टक में लिखा गया। उसके बाद जैसी आने की सूचना है, तो जैसे आने की, इसको बड़ा कोष्टक लगा दिए। यहाँ पर बाल भारती सुगम भारती, इसको मंझला कोष्टक लगाया गया, और ये किसी दिन हम भी आपके घर छूट गया था, इसलिए यहाँ पर ये हंसपद लगाए और आएंगे, इस तरह से हमने देखे हैं। अब हम देखेंगे गृहपाठ। गृहपाठ इस तरह से, प्रश्न पहला, निबंध की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर एक है, डैश डैश केवल भक्त या संत नहीं थे। नंबर दो, परिश्रम ही डैश है। नंबर तीन, वह बालक और कोई नहीं बल्कि डैश थे। नंबर चार, बड़े बड़े डैश ने कर्म को पूजा माना। नंबर
राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर भारत के प्रथम डैश चुने गए, ये आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना है। प्रश्न दूसरा, दिए हुए शब्दार्थ और सब उपकर्म लिखकर बतलाओ। हमने जितने भी इसमें उपकर्म लिखे हैं वो सब आपको लिखकर बतलाना है, इसके शब्दार्थ भी लिख के बतलाना है। यहाँ पर ही अपना परिसर में ही पूजा छठा पाठ समाप्त होता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, ये पाठ की अच्छी तरह से आप अभ्यास कीजिए पाठ का और इसे समझिए, और इसमें जो जो उपक्रम बताए हैं ये उपक्रम जो है पूर्ण कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस।